वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमोदाय, जमनवास साथ, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह, यूएसए से साथियों। वॉइस ऑफ मानवता एक न्यूज चैनल ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सच और ईमानदारी से काम कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में एक प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है सत्य ही धर्म। तो ये काफ़ी दिन से हमने इसको शुरू किया था और अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमारा एक फेसबुक पेज है, उसको शैतानों ने हैक कर लिया है, लेकिन हम और बनाएंगे पेज। ऐसी बात नहीं है कि उनके रोकने से हम रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आज हम बात करेंगे कि एक तो शरीर की बीमारी होती है और एक मन की बीमारी होती है। तो आज हमारा फोकस रहेगा कि शरीर की बीमारी और मन की बीमारी। तो मन की बीमारी शरीर की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। और बहुत सारे रोग जो शरीर में लगते हैं उनमें से तकरीबन मुझे मेरा अंदाज़ा, हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो, उनमें से तकरीबन 90% रोग जो है मन की बीमारी करके शरीर को लगते हैं। और शरीर हमारा जो परेशान रहता है, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि मन के बीमार लोग ज़्यादा हैं, तन की जो बीमार हैं वो तो नज़र आते हैं सभी को, लेकिन मन जो बीमार है वो किसी को नज़र नहीं आता। वो इंसान को खुद को ही पता होता है कि मेरा मन बीमार है, या बहुत सारे को खुद को भी नहीं पता होता है कि उनके अंदर मन है, और उनको उस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वह मन के करके प्रॉब्लम में है, मन के करके परेशानी में है। तो ऐसी कुछ खुलासे करेंगे आज हम इस प्रोग्राम में अपने। और आप सभी जानते हैं कि मानसिक रोगी, आप समझते हैं कि मानसिक रोगी का रोग जो है सिर्फ सच्चे लोग ही पहचान सकते हैं, और सच्चे गुरु की शरण में आकर ही मन के रोगों को समाप्त कर सकते हैं। और मन के रोग इतने खतरनाक हैं कि तन को, जो तन है इंसान का, इसको मन की जो रोग हैं वो काफ़ी हद तक मतलब परेशान करते हैं। जैसे मन के रोग हम बात करेंगे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 रोग बताते हैं गुरु साहब। और गुरु साहब, गुरु अर्जन पातशाह भी संतुष्ट इस पर मतलब अपनी विचार रखते हैं, लेकिन गुरु पातशाह जो तीसरे हैं जिनका नाम गुरु अमरदास जी है, उन्होंने कहा कि पंच दूत तुदवस किते काल कंटक मारिया। 5 दूत जो हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये मन के रोग, मन के जो मन को संबोधन करते हैं, ये जो इंसान के अंदर जो एक जो चलता रहता है, इंसान के जो विचार चलते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में लड़ते हैं, तो जिस वक्त लड़ते हैं उससे पहले उनको प्लानिंग करनी पड़ती है अंदर से हमारे, कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं, किसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हमें किसको मारना है, हमें किसको क्या करना है, ये इसकी प्लानिंग उनको पहले से करनी पड़ती है। तो इसमें मन की जो बात कर रहे हैं हम, कि मन के जो 5 रोग हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मन जो है इंसान का इतना चालाक होता है कि इंसान को ना तो खुद को टिकने देता है और ना खुद टिकता है, क्योंकि जिसका मन परेशान रहता है, जिसका मन बीमार है,
वो इनका शरीर भी तकरीबन तकरीबन बीमार रहता है, क्योंकि मन की जो चालाकियाँ हैं इंसान को ये बहुत मुश्किल से समझ आती हैं। और बहुत सारे को तो ये भी नहीं पता है कि मन किस टाइम कौन से खेल खेलता है। तो मन और तन की बात करेंगे आज, कि तन अगर मन बस में आ जाए तो गुरु साहब कहते हैं मन को कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तू अपने जो है उपहचान, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। गुरु अर्जन गुरु साहब कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि तू हे मन, हे मेरे मन, तू ज्योत स्वरूप है, तू उस वाहिगुरु की ज्योत है, तू उस अल्लाह की गोड़ की, भगवान की, या जो भी किसी का नाम लेते हैं, जो मतलब उसको पुकारते हैं, जो एक शक्ति है। ये बहुत सारे भगवान हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे बनाए हैं लोगों ने भगवान, लेकिन बहुत सारे हम नहीं उनको मानते हैं, बहुत सारे मानते हैं उनको, लेकिन उससे क्या है कि जो एक मन है, तो गुरु साहब कहते हैं कि उसकी ज्योत है, वाहिगुरु की ज्योत है, तो उसको कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि हे मन तू जो उस वाहिगुरु की ज्योति है। तो ये कहते हैं कि हर जी तेरे नाल है, वाहिगुरु तेरे नाल है सदा सदा रंगमान, के वाहिगुरु जो है वो हमेशा हम इंसान के अंदर होता है, बाहर भी होता है, हर एक जगह होता है। को गुरु साहब कहते हैं कि मन जो मन हर जी तेरे नाल है, तू सदा सदा रंगमान है, कि तू उस जो है उस वाहिगुरु के रंग में रंग, वो तेरे साथ में है। भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बाहर, भगवान को हम क्या करते हैं, हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, भगवान को हम चारों दिशाओं में ढूंढते हैं, भगवान को हम जो है उसमें ढूंढते हैं, लेकिन मन जो है, मन इंसान को चारों तरफ घुमाता है। और मन इंसान को, जबकि वही जो स्वरूप है, मन ही चारों तरफ घुमाता है इंसान को, और मन ही वाहिगुरु की ज्योत है। तो ऐसा गुरु साहब फरमाते हैं। फिर क्या गुरु साहब कहते हैं कि मन उन मन की जो ज्योत, जो बीमारियां हैं उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। मैं कोई ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये 100% सही हो सकती हैं। जो जैसे कि बोलते हैं कि जिसने मतलब मीठा खाया हो उसी का उसको स्वाद का एहसास होगा, जिसने किसी का जो जिस जो रब को मिले हों उन्हीं को उसका स्वाद आएगा। तो ये जो बात हम कर रहे हैं कि मन के रोग कैसे ठीक होंगे, तो इससे पहले मन से पहले कि हमारे जो ब्लड है, जो सर्कुलर है, जो मतलब तीन चीज़ें हम बताएंगे इसमें, कि जो ऑटोमेटिक चलती हैं, कि जो खून का जो बहाव है इंसान के, तो खून का बहाव जो होता है वो हमेशा चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। लेकिन खून जो इंसान का जो होता है, इंसान के अंदर जो खून चलता है वो 24 आवर चलता है, कभी रुकता नहीं है। तो इसमें जो खून के जो बहाव के अंदर अगर हम टिकाव लेकर आए, तो उसमें बात करेंगे कि मन को जो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें खून, जो इसमें गुरु साहब जो फुरमान करते हैं कि मन की बात कर रहे हैं, मन को ये अपना मेरा थिंकिंग है कि जब हम कोई एक उदाहरण दे रहा हूँ आप सभी को सामने रख रहा हूँ, कि जैसे कि आप किसी के साथ में हम जब लड़ाई कर रहे हैं किसी के साथ में, तो उस वक्त हमारे शरीर का, उस वक्त हमारे जो बॉडी का एक अलग एक ढंग अलग होगा, और एक उसको शरीर के जो खून की जो प्रेशर है वो इतना तेज़ दौड़ता है, और मन उसको इतना तेज़ कर देता है कि किसी का आदमी कत्ल भी कर सकता है। तो ये क्यों ऐसा क्यों करता है? जब इंसान की उस वक्त अवस्था देखें, जिस वक्त इंसान लड़ता है, जिस वक्त इंसान लड़ाई करने के मूड में होता है,
जिस वक्त इंसान खून करता है उस वक्त उसकी अवस्था कैसी होती है शरीर की, वही जान सकता है जो उस अवस्था में गुजर रहा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक प्यार, जब प्यार होता है किसी से और जब हम आपस में मिलते हैं, बहन भाई का प्यार हो, प्यार भी बहुत सारे बहुत किस्म के हैं, बहन भाई का प्यार है, पति पत्नी का प्यार है, और माता और बेटे का प्यार है, बेटी और माता का प्यार है, दादी पोती का प्यार है, बहुत सारे प्यार हैं इसमें कि जो दुनिया में बहुत सारे इनको स्नेह माना जाता है। तो प्यार के प्यार की जो अवस्था होती है उस वक्त इंसान की, जिस वक्त प्यार कर रहा होता है या प्यार में जी रहा होता है इंसान, तो उस वक्त इंसान की जो अवस्था होती है वो बहुत नॉर्मल होती है और बहुत ही एक धैर्य पूर्ण, एक मतलब पूरे होश हवास में टिका हुआ बंदा होता है। तो ये एक दो उदाहरण मैंने दिए आप सभी के सामने कि दोनों उदाहरण जो है इंसान की लाइफ में तकरीबन ये जो इस तरह की स्थिति है, तकरीबन 95% या 99% लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो लड़ाई के वक्त उनका खून दौड़ता है, गर्म होता है, मारता है, काटता है लोगों को, तो मन उससे वही काम करवाता है जो खून के अंदर जो चल रहा है। तो जो दूसरी जो बात कर रहे हैं प्यार की, तो प्यार में जो जब इंसान प्यार करता है, बहुत लाड़ करता है, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, धैर्य से बोलते हैं और बहुत आपस में जो लड़ते हैं तो उसमें जो है बहुत प्यार करते हैं आपस में और बहुत सुकून की ज़िंदगी महसूस करते हैं कि ऐसा। ये दो ज़िंदगी जो है दो पॉइंट बताए हैं मैंने, ये सिर्फ एक आम लोगों के ज़िंदगी में है, ये एक अवस्था और इससे ऊपर होती है, एक अवस्था और इस सभी ऊपर होती है जिसको कहते हैं महापुरुषों की अवस्था, संतों की अवस्था। उनका जो खून का जो टिकाव है, उनका खून का जो टिकाव है, ना तो वह कभी लड़ाई के वक्त उनका खून गर्म होता है, ना ही कभी प्यार के वक्त उनका कोई इस तरह, क्योंकि उनका खून टिक जाता है, उनके जो खून की जो बहाव है वैसा एक नॉर्मल रहता है कि जैसे शुरुआत में चलता है वैसे ही प्यार की प्यार के वक्त अगर लोगों से अगर वो प्यार कर रहे हैं, पूरे सृष्टि से प्यार कर रहे हैं। संतों महापुरुषों का जो मतलब बात मानने की है कि संत महापुरुष जो होते हैं उनकी नज़रों में सभी एक समान होते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि संत जो होते हैं वो धरती के समान होते हैं। उदाहरण बहुत तगड़ी गुरबाणी के अंदर दे रखी है कि संत ऐसा होता है कि जैसे ब्रह्म ज्ञानी की बात करते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी जो है एक ऐसा होता है कि जो जैसे धरती है उसमें चाहे उसमें गड़ा ले या सोना को दबा ले या कुछ भी कर ले या पानी मतलब उसके बहाव या उसको काटें तो कभी बोलती नहीं, तो स्वभाव ऐसा होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि संतों की जो महापुरुष वो बड़े बड़े होते हैं उनका जो शरीर का जो खून का टिकाव है वो ठहरा हुआ होता है, तो किसी को अगर लड़ रहे हैं किसी के साथ में या कभी किसी को वो कभी बेगुनाहों के ऊपर कभी किसी के जो अत्याचार नहीं करते, वो मानवता से प्यार करते हैं और मानवता को प्यार करने वाला कभी गुस्से नहीं आता उनको। अगर गुस्सा आया तो उनको क्या हुआ, गुस्सा आया तो वह गुस्सा कभी उनको आएगा नहीं पहली बात तो ये, अगर गुस्सा आता भी है तो उन लोगों पर आता है उनको जिनको वो जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, जो लोगों को मार रहे होते हैं, जो लोगों को काट रहे होते हैं, जो परेशान कर रहे होते हैं उनके ऊपर उनको गुस्सा उतार मेरे हिसाब से उनको गुस्सा नहीं आता। तो गुस्सा जब उनको नहीं आता तो वह सज़ा उनको देते हैं जो मानवता को परेशान कर रहे हैं, जो मानवता को लड़वा रहे हैं आपस में उनको मारते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ऐसी बहुत सारे सज़ा दी है लेकिन दुश्मनी नहीं उनको किसी से भी नहीं होती। तो उनको दुश्मनी किसी से नहीं होती, ना ही वो ऐसा बोलते हैं कि हम तेरे दुश्मन है, तू हमारा दुश्मन है। गुरु साहब तो यहाँ तक कह देते हैं कि हम नहीं चंगा, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, कि हम अब तो चंगे नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं,
पर बुरा भी कोई नहीं है दुनिया के अंदर। तो ये जो गुण ज्ञान है, ये जो टिकाव है, ये जो जो आया है, ये कहाँ से आया है? ये जो सच और ईमानदारी जो होती है, जो सच और ईमानदारी की जो इसके मतलब जीवन में होती है, उसके खून के अंदर तब्दीली होती है, उसके खून टिकाव में होता है, उसका खून कभी भाव इतना भाव कभी लड़ गया, कभी किसी साथ लड़ लिए, कभी मार दिया, ऐसी इस अवस्था में नहीं होता। उसका खून का जो टिकाव होता है वो एक नॉर्मल अवस्था में होता है। वो कभी किसी को बुरा नहीं बोलते, अगर उनको कोई बुरा बोलता भी है तो वह कभी प्यार से जवाब देते हैं लोगों को, वो बड़े प्यार से मतलब गले लगाते हैं सभी को। अगर दुश्मन उनके साथ में दुश्मनी करता भी है तो वो दुश्मन की नज़र से उसको नहीं देखते हैं, अगर उनको दुश्मन की नज़र से उसको नहीं देखते हैं लेकिन उससे प्यार करते हैं, और फिर अगर उसको सज़ा देनी होती सज़ा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी अवस्था उस वैसी रहती है जैसे वो प्यार के वक्त उनकी अवस्था होती है, जैसे उनकी वैसी अवस्था होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि मन की, तो मन जब खून के अंदर जो इंसान की एक टिकाव होता है, ये गुरुवाणी जो है, गुरु की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है, 35 महापुरुषों की वाणी, इसके अंदर जो वो पढ़ने के बाद में अब लगेगा पता कि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को सही दिशा दे सकते हैं। जब मन दिशा में होगा तो जब खून जब मन दिशा में होगा तो खून भी टिकाऊ में आएगा, और जब खून टिकाऊ में आएगा तो जिंदगी की जो बीमारियां हैं बहुत सारी 90% 99% मुझे ऐसा लगता है कि मन के करके बीमारियां इंसान को आती हैं, और मन के करके इंसान को प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। तो ये जो मन की बात की है हमने, ये हम मन और तन, तो तन सबको नज़र आता है, शरीर सबको नज़र आता है, लेकिन मन बहुत कम लोगों को ऐसा है पता है कि मन इंसान के शरीर के अंदर होता है। तो मन बहुत सारे बहुत को ऐसा लगता है कि उसको हम सुधारेंगे कैसे, तो गुरु साहब उसको सुधारने के बहुत तरीके बताते हैं। तो उसमें कहते हैं कि एक मतलब पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि उसको हम जो जो मन को टिकाव में कैसे ला सकते हैं, तो उसके उसका फ़ायदा क्या होगा टिकाव में लाने का, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। तो क्या गुरु साहब कहते हैं इसमें, गुरुवाणी के अंदर बोलते हैं, गुरु नानक साहब फरमान करते हैं कि सुनिए मनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख घर ले जाए। सुनिए मनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख घर ले जाए। अगर मन कंट्रोल में आता है, मन ने अगर गुरुवाणी सुनी, गुरु की वाणी सुनी, तो मन एक दिन कंट्रोल में आएगा। उसका कंट्रोल में आने में क्या होगा कि गुरु की वाणी का हम सच्चे लोगों की बात सुनेंगे, उसको फिर मन में बसाएंगे, और मन में बसाने से क्या होगा कि दुख पर हर सुख घर ले जाए। मन सुखों से भरा होगा, दुख दूर हो जाएंगे। तो ये मन की बीमारी, अब मन अगर कंट्रोल आता है तो 100% 99% शरीर की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी इसको उदाहरण को देखेंगे और ज़िंदगी में लेकर आएंगे इसको। तो उम्मीद करते हैं आप वॉइस ऑफ मानव दगे जो हम लेकर आ रहे प्रोग्राम ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए, जिन्होंने शेयर किया वीडियो, और उम्मीद करते हैं हफ्ता वाले प्रोग्राम हमारा ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप लाइक करें पेज को हमारे। थैंक यू सबका। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।